नया वित्त वर्ष, नया और प्रगतिशील अर्थतंत्र तैयार है। देश का सबसे बड़ा सूबा नए वित्त साल में नए कलेवर में प्रवेश करने के लिए। 30 मार्च 1949 में हुई राजस्थान की स्थापना। इसके बाद 1956 में जब राजस्थान का पुनर्गठन हुआ तब यहां थे 26 जिले। साल 2008 आते आते 7 जिले और बने और हुए कुल 33 जिले। इतने बड़े प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए ये जिले पर्याप्त नहीं थे, जिसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पिछले दोनों कार्यकाल में महसूस किया। अपने तीसरे और मौजूदा कार्यकाल में उन्होंने जमीनी हालात समझने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई। रामलुभाया समिति की रिपोर्ट का विश्लेषण करने के बाद मुख्यमंत्री ने 17 मार्च को राजस्थान विधानसभा में वित्त और विनियोग विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने का ऐलान किया। प्रदेश की वर्तमान प्रशासनिक इकाइयों की संरचना का विस्तृत अध्ययन एवं विवेचना के उपरांत अब मैं प्रदेश में नए जिले बनाने की घोषणा करता हूँ। नंबर 1 अनूपगढ़ गंगानगर से, अनूपगढ़ बालोतरा हो गया 2, ब्यावर 3, डी भरतपुर 4, डीजवाना कुचामन 5, दूधू जयपुर 6, गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर 7, जयपुर उत्तर जयपुर, जयपुर दक्षिण जयपुर, जोधपुर पूर्व जोधपुर, जोधपुर पश्चिम जोधपुर, केकड़ी अजमेर, कोतपुतली बैरोड जयपुर अलवर, खेरतल अलवर, नीम का थाना सीकर, फलोदी जोधपुर, शलुम्बर उदयपुर, शलुम्बर शांचोर जालोर, सापुरा भीलवाड़ा। इस प्रकार 19 नए जिले बनाने के कारण प्रदेश में कुल 50 जिले हो जाएंगे। इन सभी का प्रदेश मुख्यालय से संपर्क संभागीय मुख्यालयों के माध्यम से होता है। अतः इस प्रबंध को सुदृढ़ करने की दृष्टि से प्रदेश में 3 नए संभाग मांसवाड़ा पाली सीकर बनाने की घोषणा करता हूँ। इनका नया आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री ने 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हर खासोआम ने मुख्यमंत्री की इस घोषणा का स्वागत किया है। कई जगह ढोल नगाड़े बजे तो कई जगह आतिशबाजी हुई। लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ यूं दी। जो ये नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं, प्रशासनिक व्यवस्था सुधरेगी, वहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनको भी लाभ मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, कानूनी व्यवस्था भी सुधरेगी, सब तरीके के लाभ मिलेंगे। गहलोत सरकार के जो बजट घोषणा के अंदर 19 जिले जो बनाए हैं, ये बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ बनाए हैं। रोजगार की दृष्टि से देखें, हर एक जिले के अंदर एक कलेक्टर बैठेगा, बहुत ही आम जनता को सुविधा मिलेगी। बहुत अच्छा बजट रहा और जिला बनाना भी बहुत अच्छा सकारात्मक सोच के साथ ही सरकार ने ये बनाया है। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, ये जनता का संवैधानिक अधिकार है, पैसे की सब व्यवस्था होती है, सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता की सुविधा के लिए नफे नुकसान से ऊपर उठकर जन कल्याण को आधार बनाकर सरकार आगे बढ़े। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने नए डिस्ट्रिक्ट बनाने की डिमांड उठ रही थी, लगातार पूरे राजस्थान में वो जहां भी जा रहे थे उन्होंने कमेटी भी बनाई और उस कमेटी से जो उनका डिस्कस हुआ उसके बाद उनका ये फैसला सब तरफ पसंद किया जा रहा, पूरे राजस्थान से खबर आ रही है। इससे आम आदमी बहुत मजबूत होगा, राजस्थान मजबूत होगा, राजस्थान की जो डेवलपमेंट है वो जनता तक पहुंच सके। और आज 19 जिले बना दिए तो ये जितनी योजना है वो बड़ी आसानी से लागू होगी जब जिले ज्यादा हो। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के राज्य बजट को विस्तार देते हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया को 3 साल इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ दिया जाएगा स्मार्टफोन। पहले चरण में इसी रक्षाबंधन पर्व पर 40 लाख महिलाओं को फोन मिलेंगे। माननीय सचिव यादव हुआ कि प्रदेश के इस विकसित आईटी तंत्र का लाभ घर बैठे प्राप्त करने हेतु संबल प्रदान करने की दृष्टि से मैंने गत बजट में चिरंजीव परिवार में महिला मुखिया को स्मार्टफोन में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की घोषणा की थी। प्रथम चरण के रूप में आगामी वर्ष बहन बेटियों के पावन पर राखी से चिरंजीव परिवारों की सरकारी विद्यालयों में 10वीं से 12वीं कक्षा अध्ययनरत छात्राओं, सरकारी उच्च शिक्षण संस्थाओं, महाविद्यालय ITI पॉलिटेक्निक में अध्ययनरत छात्राओं तथा विधवा एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं को इस योजना अंतर्गत स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस प्रकार प्राथमिक चरण में लगभग 40 लाख बेनिफिशियरी को यह स्मार्टफोन प्राप्त हो सकेंगे। राज्य कर्मचारियों की सेवा और निष्ठा का सम्मान करने वाले मुख्यमंत्री उनके लिए पुरानी पेंशन योजना प्रदेश में पहले ही लागू कर चुके हैं। अब उन्होंने आश्वस्त किया कि कार्मिकों को सारे पेंशन लाभ रिटायरमेंट के दिन ही मिल जाएंगे। साथ ही 75 साल से ज्यादा वालों की बेसिक पेंशन का अलाउंस 10% बढ़ाया गया है।
हमने राजकीय कार्मिकों को सेवानिवृत्ति उपरांत सुरक्षा उपलब्ध कवरेज जैसे सभी के लिए ओपी लागू करने का प्रावधान किया। माननीय सदस्यों को विदित होगा कि प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को पेंशन राशि में वृद्धि का लाभ प्राप्त होता है। आयु बढ़ने के साथ ही अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए अब मैं 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को पेंशन राशि में बेसिक पर 10% अतिरिक्त अलाउंस उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूँ। इसके उपरांत भी वर्तमान में कार्मिकों को रिटायरमेंट के समय पेंशन पहला प्राप्त होने महीनों लग का समय लग जाता है। अब कार्मिकों को और अधिक राहत देने की दृष्टि से रिटायरमेंट के दिन ही समस्त पेंशन परिणामों की स्वीकृति जारी करने की घोषणा करता हूँ। मुख्यमंत्री ने 250 की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने का भरोसा दिलाया। कई जगह नए कॉलेज खोलने और स्कूल क्रमोन्नत करने की भी बात कही। उन्होंने मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को हर साल 2 सेट यूनिफॉर्म के दिए जाने की घोषणा की और साथ ही 6,000 मदरसा पैरा टीचर्स की भर्ती का भी ऐलान किया। विशालाबाद में भूसावर भरतपुर तालचीडी दोसा फलचूर्ण जैसलमेर बिसव मंडावा झुंझुनू कुचामन सिटी खजवाना जियाबड़ी नागौर सुरोठ सिंडोन सिटी करौली में राजकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे। ताबाद किशनगंज बारा समदड़ी बाड़मेर बज्जू कॉलेज बीकानेर सारेड़ा दोसा आमेर जयपुर जालामन लूणी जैसला गंडियाली जोधपुर अम्बर पाली में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाए प्रस्तावित है। नारेडा दूदू जयपुर में शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय एवं नावा नागौर दोसा एवं चित्तौड़गढ़ में विधि महाविद्यालय खोले जाएंगे। प्रदेश के पंजीकृत मदरसों में अध्ययन अध्यापन सुविधाओं का विस्तार करने की दृष्टि से शिक्षा विभाग की तर्ज पर प्रति विद्यार्थी 2 सेट निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 15 करोड़ रुपए का व्यय कर 2 लाख अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। जयपुर के आराध्य राधा गोविंद देव मंदिर का विकास कर यहां कॉरिडोर बनाने, तीर्थराज पुष्कर में विकास प्राधिकरण के गठन और खाटू श्याम जी में श्रद्धालुओं की पहुँच सुगम करने के लिए सीएम ने डेडिकेटेड कॉरिडोर बनवाने की भी घोषणा की। जयपुर स्थित गोविंद देव जी के मंदिर में संपूर्ण प्रदेश वासियों की असीम आस्था है। इसके दृष्टिगत में गोविंद देव जी मंदिर का महाकाल उज्जैन की तर्ज पर दृढ़ विकास करने की घोषणा करता हूँ। प्रथम आगामी वर्ष की हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही तीर्थराज पुष्कर के समग्र विकास हेतु पुष्कर विकास प्राधिकरण के गठन की घोषणा करता हूँ। प्रदेश में ट्रांसजेंडर्स को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अब किसी तरह की स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, 80% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित सभी प्रकार के विधेयकों पर स्टैंप ड्यूटी निःशुल्क किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पक्ष में अचल संपत्ति के दस्तावेजों पर भी स्टैंप ड्यूटी निःशुल्क की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने युवा मामलात, खेल, सामाजिक सुरक्षा और आधारभूत सुविधाएं बेहतर करने सहित कई घोषणाएं की और राजस्थान को सिरमौर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। इससे प्रदेशवासियों में आत्मविश्वास और गौरव का संचार तो हुआ ही है, वे नए जोश के साथ खड़े होने लगे हैं नया इतिहास रचने के लिए।